गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रिमझिम वर्मा एंड मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक चैलेंज करने वाली हूँ। टाइटल से वैसे आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस पर है, तो मैं आप लोगों के साथ एक 4 प्रोडक्ट्स चैलेंज करने वाली हूँ और ये लुक मैंने उन्हीं 4 प्रोडक्ट्स से क्रिएट करा है, तो उसे देखने के लिए चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ subscribe this channel and like this video. So guys, let's start this video. तो मैं सबसे पहले अपना सनस्क्रीन लूँगी, VLCC का सनस्क्रीन है ये, मैट लुक डी पिगमेंटेशन सनस्क्रीन जेल क्रेम है, NSPF 30 के साथ है, टिंटेड फार्मूला है, नॉन ग्रीसी मैट लुक एंड रिड्यूसेस पिगमेंटेशन एंड सेक्सी फ्रेगा एंड कैरेट एक्सट्रैक्ट्स है और पैराबीन फ्री है। पर्सनली मुझे ये वाला सनस्क्रीन बहुत पसंद है एंड मैं ऑलरेडी इसके 2 ट्यूब्स ख़त्म कर चुकी हूँ और ये मेरा 3rd ट्यूब है, तो मैंने इस बार इसे बड़ा मंगवाया था इसीलिए। तो मैं सबसे पहले ये यूज़ करूँगी। सनस्क्रीन तो वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे आप घर से बाहर जाओ या आप घर के अंदर हो तो भी आप इसे यूज़ करना मत भूलें, क्योंकि UVA और UVB जो रेज होती हैं वो आपको बाहर ही नहीं, आपके घर के अंदर भी आपकी स्किन को हार्म कर सकती है। मैं डेली डे क्रीम यूज़ करती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने कुछ अप्रैल में ख़रीदा था तो तब से मेरे पास ये ऑलमोस्ट उतना ही रखा हुआ है, थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है आपको। तो मैं सबसे पहले मैं ये यूज़ करूँगी अपने फेस पे, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए प्लस अपने फेस को सनस्क्रीन इफेक्ट देने के लिए। और ये कुछ फाउंडेशन फार्मूले में आता है तो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा इसलिए भी। पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। उसके बाद में ये NYB का काजल यूज़ करूँगी काजल के लिए अपने। ये मैंने purple.com से लिया था, मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो परचेज़ कर सकते हैं। और ये कुछ 60-70 के आसपास है एंड स्मच प्रूफ भी है और काफ़ी अच्छा काजल है, आप लोग ट्राई करके सीख सकते हैं। तो मैं ये काजल यूज़ करती हूँ। मैं एक स्मजर ब्रश की हेल्प से इसको स्मज कर लूंगी थोड़ा सा। ये आईलैश को कर्ल करने के लिए ये मेबेलिन का द हाइपर कर्ल मस्कारा यूज करूंगी और ये बहुत अच्छा मस्कारा है, अच्छे से आपके आईलैश को कर्ल कर देता है, तो मैं ये यूज करूंगी अपने आईलैश को कर्ल करने के लिए। आईलैशेस कर्ल हो चुके हैं, मैं कर चुकी हूँ अपने मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा से। और उसके बाद मैं इसी काजल की हेल्प से अपने आईब्रोज सेट कर लूँगी, आईब्रोज फिल कर लूँगी अपने इसी काजल की हेल्प से, थोड़ा सा लेकर ब्रश पे। किस ब्यूटी की ये लिपस्टिक यूज़ करूँगी, ये किस ब्यूटी की लिपस्टिक है, इसे मैं, मेरा फेवरेट शेड है ये, मुझे ये शेड बहुत पसंद है और मैंने ये यहीं लोकल मार्केट से लिया था। ये कुछ इस तरीके का शेड है, मुझे ये शेड गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये शेड अच्छा लगता है।
तो कुछ फेस ऐसे ही है, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है तो लिपस्टिक डार्क रख सकते हैं हम, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। कोई सा भी शेड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप कोई सा भी शेड अपने लिप्स पे लगा सकते हैं, बट वो मेक श्योर कि वो थोड़ा डार्क हो, क्योंकि तभी आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा, सामने से ब्राइट फेस दिखेगा एकदम आपका। तो मैंने ये वाला अपना शेड लिया था, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है शेड। और उसके बाद मैं इसी लिपस्टिक की हेल्प से अपने आई शेडोज बनाऊँगी, अपने आई शेडो पर लगाऊँगी। और आप इसे जल्दी से स्प्रेड कर लें वरना। और इसी लिपस्टिक की हेल्प से मैं अपना ब्लश भी ले लूँगी, पर आप इसे थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लेंड करें, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये लिपस्टिक है और बहुत ही जल्दी सूख सकता है। तो मैंने बहुत सटल सा रखा है, मैंने ज़्यादा ब्रश नहीं लिया है क्योंकि मेकअप इतना ज़्यादा नहीं है, तो ब्रश भी बस थोड़ा बहुत हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और टाटा, तो ये था मेरा लुक जो मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट से कंप्लीट किया है, और देख लो आप अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ 4 प्रोडक्ट से मैंने कंप्लीट किया है। अगर आपको भी बाहर जाते हो और आपके पास सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट्स होता है तो आप इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो, और इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। अगर आपके पास 4 प्रोडक्ट्स है तो आप इजीली कहीं भी जा सकते हो। तो ये था मेरा कुछ छोटा सा एक चैलेंज जो मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैलेंजेस के साथ, कुछ और नई ब्यूटी टिप्स के साथ, या फिर कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पे। Thank you guys, thanks for watching this video. Okay, bye. Till then, my next video. Wow.